हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी एक इस्लामिक बिल्डिंग में जो कि एक इस्लामिक आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, उसका कंस्ट्रक्शन इस्लामिक आर्किटेक्चर से हुआ है, तो उसमें क्या ऐसे कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि हमें सभी इस्लामिक बिल्डिंग में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमें लगभग सभी बिल्डिंग्स में देखने को मिलती हैं जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर के बेस पर कंस्ट्रक्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोम्स से स्टार्ट करते हैं। तो डोम बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक रूफ है, ये एक सीलिंग है किसी भी बिल्डिंग का जो कि कर्व्ड है। ये बेसिकली डिफरेंट शेप्स में इवॉल्व हो गए ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। स्टार्टिंग में इनकी शेप बहुत बेसिक थी, लेकिन जैसे जैसे इस्लामिक एरा थोड़ा सा डेवलप हुआ तो इन डोम्स की शेप भी डेवलप होती चली गई। तो डोम्स हमें दो टाइप से देखने को मिलते हैं, एक सिंगल डोम और एक डबल डोम। सिंगल डोम जस्ट एक सिंगल लेयर ऑफ डोम होती है सीलिंग पे, उसके ऊपर कोई अनदर लेयर नहीं होती है, वो अंदर से यानी कि इंटीरियरली भी सेम शेप का होता है जैसा कि वो एक्सटीरियरली भी उसी शेप का होता है। अगर बात करें डबल डोम की, तो डबल डोम में एक्चुअली में डबल डोम्स होते हैं, यानी कि दो डोम होते हैं, एक इंटरनल डोम और एक एक्सटर्नल डोम। तो जो शेप होती है डोम की वो एक्सटर्नली डोम से देखने को मिलती है। जैसे इस इमेज में ये बाहर की लाइनिंग है, ये एक्सटर्नल डोम है, तो ये अलग शेप में है, और ये जो अंदर की तरफ जो भी डोम है ये एक अलग शेप में है, तो दोनों की शेप अलग है, तो ये डबल डोम का स्ट्रक्चर है। डोम की जो इंटीरियर पोर्शन है इसको हाईली डेकोरेट किया करते थे, क्योंकि ये सीलिंग है अंदर की, तो इस सीलिंग्स को बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया करते हैं, तो एक डेकोरेटिव सीलिंग भी एक हमारा एलिमेंट है इस्लामिक आर्किटेक्चर का। डबल डोम और सिंगल डोम ये दोनों ही डिफरेंट जगह पर यूज़ किया करते हैं। जैसे कि जो मॉस्क है उसमें जनरली हमें सिंगल डोम देखने को मिलता है, और जो टॉम्ब होते हैं किसी भी किंग के रूलर के, उसमें डबल डोम देखने को जनरली मिला गया है। तो मॉस्क में सिंगल डोम, टॉम में डबल डोम, तो ये इनका डिफरेंशिएशन है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ डोम्स हैं, जैसे कि पॉलीहेड्रल डोम, हेमिस्फेरिकल डोम और ऑनियन डोम। ऑनियन डोम ताजमहल का जो डोम है वो भी एक ऑनियन डोम ही है, और हेमिस्फेरिकल डोम द डोम ऑफ द रॉक एक बिल्डिंग है, बहुत ही फेमस बिल्डिंग है यरूशलम में, उसमें भी जो डोम है वो हेमिस्फेरिकल डोम है। तो आगे बात करते हैं मिनारेट्स, इंग्लिश में मिनारेट्स और हिंदी में से या फिर उर्दू में मीनार्स। तो मीनार एक ये भी एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हमें देखने को मिलता है लगभग सभी तो नहीं कह सकते, मोस्टली ऑफ द बिल्डिंग्स में हमें मीनार्स देखने को मिलते हैं। तो मीनार एक टावर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेयर के लिए कॉल करते हैं। जितने भी मॉस्क होते हैं उनके चारों तरफ चार मीनार हमें देखने को मिलती है, हर कॉर्नर पर एक मीनार देखने को मिलती है। तो इस्लाम में जब दिन की 5 प्रेयर्स होती हैं, तो हर प्रेयर को कॉल करने के लिए एक बहुत हाइट पर टावर कंस्ट्रक्ट किए गए मॉस्क के चारों कॉर्नर्स में, और उस टावर पे चढ़कर कॉल किया जाता था प्रेयर के लिए, लोगों को बुलाया जाया करता था मॉस्क में प्रेयर के लिए। तो उनका बेसिक पर्पस मीनार्स का यही है कि ये लोगों को बस प्रेयर के लिए कॉल करना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेप में भी कंस्ट्रक्ट हुई हैं, जैसे कि ओटोमन एम्पायर में ये पॉइंटेड मीनार्स कंस्ट्रक्ट हुई, ताजमहल पे ये छतरी मीनार्स, ये जो ऊपर स्ट्रक्चर से छतरी कहते हैं, तो ताजमहल में इस टाइप की मीनार्स हैं, स्पायरल मीनार्स भी हैं, और ये स्क्वायर प्लान में भी मीनार्स हैं। तो मतलब लगभग बहुत टाइप की मीनार यहाँ पे यूज़ की गई हैं डिफरेंट शेप्स में। तो ये एक फोकल पॉइंट भी रहता है पूरी बिल्डिंग का, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पर होते हैं, लगभग ये जो मेन बिल्डिंग का डोम है उससे भी ज़्यादा हाइट पर रहते हैं, तो ये काफ़ी डिस्टेंस से भी देखने को मिल जाते हैं, कि काफ़ी दूर से भी ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं मीनार्स। जैसे कि ये एक बिल्डिंग है, इस्लामिक बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग का मेन डोम है, और ये मीनार है, ये मीनार लगभग इससे ज़्यादा हाइट पर ये कंस्ट्रक्ट है, तो काफ़ी डिस्टेंस से मीनार देखने को मिल जाएगी, तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पे एक इस्लामिक बिल्डिंग है। तो मीनार का ये फीचर है।
और मीनार काफ़ी हाईली डेकोरेटिव है, लेकिन बेसिकली पूरा इस्लामिक आर्किटेक्चर में जितने भी इस्लामिक बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा हाईली डेकोरेटिव होते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेलिंग्स रहती हैं इनकी बिल्डिंग्स में, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड, बहुत ज़्यादा सुंदर बिल्डिंग्स होती हैं इनकी। तो ये बहुत ज़्यादा मेन फीचर है इस पूरे इस्लामिक आर्किटेक्चर में। किसी भी जोन का इस्लामिक आर्किटेक्चर की कोई सी भी बिल्डिंग उठा के देख लेंगे तो उसमें हमें हाई डेकोरेशन देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं तो आर्चेज। आर्चेज तो बहुत बहुत कॉमन चीज़ है कि लगभग सभी सभी इस्लामिक बिल्डिंग्स में हमें देखने को मिलेगी। आर्चेज गेटवे होती हैं, ये एंट्रेंस प्रोवाइड करती हैं बिल्डिंग के अंदर का, और ये एक हॉलवे के अंदर सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करती हैं। इसके ऊपर के जितने भी रूफ है ये आर्च पे ही आके डिपेंड रेस्ट करते हैं पूरी रूफ। आर्च के बीच में जो ये सेंटर वाला पॉइंट होता है इसको कीस्टोन बोलते हैं, यहीं से पूरा लोड सेपरेट होता है बेस में। तो इस कीस्टोन से ही पूरा लोड सेपरेट होता है, और ये कीस्टोन ही एक पॉइंट होता है जिससे पूरी आर्च को कनेक्ट करता है ये। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की आर्चेज हैं, जैसे कि ये पॉइंट आर्च है, ये मल्टी फॉइल आर्च है, इसमें बहुत मल्टीपल फॉइल फोल्ड्स देखने को मिलेंगे हमें। तो ये मल्टी फॉइल आर्च हो गई। इसके बाद सेमी सर्कुलर आर्च है, हॉर्स शू आर्च है। तो काफ़ी आर्चेज हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। हर स्ट्रक्चर में डिटेल में किसी भी एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना तो उसमें डिफरेंट टाइप की आर्च यूज़ की गई है। तो आर्चेज भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस्लामिक आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट बात करते हैं जालीज। जालीज का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। इस्लामिक आर्किटेक्चर से पहले इसका यूज़ हुआ था हिंदू आर्किटेक्चर्स में। तो हिंदू आर्किटेक्चर में इतना इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था, इतना वाइड यूज़ नहीं था। तो इन्होंने हिंदू आर्किटेक्चर से उस एलिमेंट को लिया और इस्लामिक आर्किटेक्चर में इसका बहुत ज़्यादा वाइड यूज़ किया। तो हमें जालीज का जो यूज़ देखने को मिलता है जनरली वो पॉपुलर है इस्लामिक आर्किटेक्चर से ही। तो जाली डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में है, हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, 6 पॉइंट स्टार, 8 पॉइंट स्टार या फिर 8 फोल्ड रोस्टल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में जाली यूज होती हैं। जालीज का मेन पर्पस क्या है? जालीज का मेन पर्पस ये है कि किसी भी एक साइड में विजिबिलिटी ब्लॉक करना और एयर सर्कुलेशन और लाइट का आने देना। जाली क्या है कि लॉन्ग साइड में विजिबिलिटी ब्लॉक करती है लेकिन एयर और लाइट को भी आने देती है। तो बहुत एक सेंसिबल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हमें जाली में देखने को मिलता है। जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ों को हम आने देते हैं, बाकी की जो अनवांटेड चीज़ें उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। पहले के हिंदू हिंदू आर्किटेक्चर में जालीज का पर्टिकुलर ये यूज़ था कि जो वुमेन्स हैं वो जो कोर्ट्स होते हैं उसमें नहीं अलाउ किया जाता था वुमेन्स को, तो उनको दूर से ही जाली से देखने को अलाउड रहता था। तो कोर्ट्स में जितने भी लोग हैं वो वुमेन्स को नहीं देख सकते थे, लेकिन जो वुमेन्स हैं वो देख सकती थी कि एक रॉयल कोर्ट में क्या हो रहा है। तो इसी वजह से वहीं से उसी एक कॉन्सेप्ट से जाली का एवेल्यूएट किया और इस्लामिक आर्किटेक्चर में इसका बहुत ज़्यादा वाइड यूज़ हुआ। नेक्स्ट है कैलीग्राफी। ये इस्लामिक कैलीग्राफी को इंस्क्रिप्ट किया करते थे अपने लगभग सभी बिल्डिंग्स में। तो ये कुतुब मीनार की इमेज है। इस कुतुब मीनार में एक अरेबिक वर्सेस हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये अरेबिक वर्सेस इसमें स्टोन में इंस्क्रिप्ट किया गया। ये एक और हमें बिल्डिंग में देखने को मिलता है कि इसमें अरेबिक वर्सेस हैं, ये टाइल में ही इंस्क्रिप्ट किया गया है। सेम अगेन यहाँ पे एक और बिल्डिंग में देखने को मिलता है, आई थिंक ये भी कुतुब मीनार की बिल्डिंग है। इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक अरेबिक कुरान्स को, इनकी आयत और वर्सेस को इन्होंने इंस्क्रिप्ट किया गया है अपनी बिल्डिंग्स में। तो बेसिकली कैलीग्राफी भी हमें देखने को मिलती है इस्लामिक आर्किटेक्चर में इनकी बिल्डिंग्स पर। नेक्स्ट हमें जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा मेहरब्स। मेहरब्स एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे मुस्लिम लोग वर्शिप करते हैं। जिस तो मेहरब्स क्या है? मेहरब्स एक वॉल है, जनरली ये मॉस्क में देखने को मिलती है लेकिन और किसी भी रॉयल अपने पैलेस में बनवा सकते हैं इस मीरब को। तो एक वर्शिप प्लेस है ये।
इस वॉल की इस जिस वॉल पर ये मिरब्स की जगह है, तो जिस वॉल पे ये मिरब्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं उस वॉल को कीबला वॉल बोलते हैं। और ये कीबला वॉल जो मक्का में काबा है उसकी तरफ इस वॉल की डायरेक्शन होती है। बेसिकली जो लोग प्रेयर करते हैं उन लोगों का, तो प्रेयर करते टाइम उनका फेस काबा की डायरेक्शन में होना चाहिए। इंडिया में काबा की डायरेक्शन वेस्ट में पड़ती है, तो जनरली जितने भी मिरर्स कंस्ट्रक्ट होते हैं वो ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन में होते हैं, जिस वजह से जब कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान मिरर्स की तरफ अपना फेस करेगा तो वो अल्टीमेटली काबा की तरफ फेस कर रहा होता है। तो काबा एक वर्शिप है, वर्शिप प्लेस है इनकी, और इसमें डेकोरेट किया जाता है इनको कुरानिक वर्सेस से। यहाँ पे साइड में पूरा डेकोरेट किया जाता है, एक अंदर एक सेमी सर्कुलर एक स्पेस रहती है, ये इनकी वर्शिप प्लेस रहती है, यहाँ पे लोग वर्शिप करते हैं इसकी तरफ फेस करके। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इस्लामिक आर्किटेक्चर का, जो एक मैं कहूँगा कि बहुत मेन इनका एलिमेंट है वो है इनका ऑर्नामेंटेशन। मतलब ये बिल्डिंग्स को इतना ज़्यादा डेकोरेट किया करते हैं कि देखने को बस देखते रहता है कोई व्यक्ति। तो इनकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हाईली डेकोरेटेड रहती है, इनकी वॉल्स, इनकी सीलिंग्स, इनका इंटीरियर, इनका एक्सटीरियर, इनका फ्लोर, बहुत जहाँ पर आप देखोगे वहाँ सारा बहुत ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे डिटेलिंग्स के साथ इनका डेकोरेशन मिलता है। ये एक आर्चेस के नीचे का एक व्यू है, यहाँ पर भी डेकोरेशन मिलेगी, फ्लोरल पैटर्न से डेकोरेशन होती है इनकी, ज्योमेट्रिकल पैटर्न से डेकोरेशन मिलती है। ये देखो एक फ्लावर, ये मोर का पैटर्न से डेकोरेशन है। ये ताजमहल के अंदर इनका ये फ्लोर पे डेकोरेशन, ये इनकी वॉल का डेकोरेशन, तो बहुत ज़्यादा एक हैवी ऑर्नामेंटेशन रहती है। बहुत ज़्यादा मुगल आर्किटेक्चर में आप देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा जो प्रीशियस स्टोन्स रहते हैं वो भी इनके वॉल्स में लगा रखे होते हैं उन्होंने, एकदम प्रीशियस स्टोन्स। लेकिन अब क्या है कि आज के टाइम में वो स्टोन्स देखने को नहीं मिलते हैं, वो उखाड़ लिए गए हैं या फिर वो टाइम के साथ ऑटोमेटिकली उखड़ गए हैं वहाँ से। लेकिन जब ये टाइम में जब बिल्डिंग्स यूज हुआ करती थी तो बहुत ज़्यादा हाईली डेकोरेटेड बिल्डिंग्स हुआ करती थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट से एलिमेंट्स थे जो कि हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं। हालांकि यही सिर्फ एलिमेंट्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये कुछ मैंने ऐसा मेजर मेजर एलिमेंट्स कवर किए हैं जो कि थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जब मुगल आर्किटेक्चर इंडिया में डेवलप हुआ तो इसी के साथ साथ हमें मुगल गार्डन्स भी देखने को मिलता है। मुगल गार्डन भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मुगल आर्किटेक्चर में। मुगल गार्डन बेसिकली क्या है कि एक चार बाग कॉन्सेप्ट पर डिज़ाइन है। पूरे गार्डन को इन्होंने चार पार्ट्स पे डिवाइड किया है और चार पार्ट्सों के बीच में सेंटर टू सेंटर हर साइड में एक पाथवे दिया है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो, जो कि रहेगी मुगल आर्किटेक्चर के बारे में। तो अभी के लिए थैंक यू, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा इसके अंदर से। थैंक यू।